एक बार फिर से आपका यस और नो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉलोनी का लिस्ट देख सकते हैं और कहाँ, चाहे जहाँ का हो, पूरे उत्तर प्रदेश का या पूरे ऑल ओवर इंडिया का, आप कहीं का भी हो, आप कॉलोनी की लिस्ट देख सकते हैं, अपने ग्राम का भी लिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, बगल में मेरे पास एक टैब है जहाँ पे इसका पूरा लिस्ट खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक फ़िल्टर नाम का ऑप्शन है, थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल स्टेट है, तो आप जिस भी स्टेट के होंगे आप उसको सेलेक्ट करिए। तो हमारा तो यूपी है, तो हम चलिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका ऑप्शन पूछेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जो भी हो, वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम चलिए प्रयागराज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से आते हैं प्रयागराज की तरफ, ठीक है, ये हमने प्रयागराज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करिएगा, अभी नेक्स्ट खुल के आएगा आपका ब्लॉक, तो ब्लॉक में क्या करिएगा, ब्लॉक में आप जो भी आपको ब्लॉक हो, चलिए एक रेंडमली ब्लॉक ले लेते हैं, कोई भी एक ब्लॉक पे क्लिक कर देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका, अब देखिए नीचे आ गया पूरा ग्राम सभा का नाम, पूरे गांव की लिस्ट आ गई, जिस गांव का आपको देखना हो कि इस गांव में कितनी कॉलोनी है, किसका लिस्ट में नाम आया या नहीं आया है, उस पर आप नॉर्मली क्या करिए, क्लिक करिएगा। तो चलिए हम किसी भी ऐसे रेंडमली किसी भी गाँव पर क्लिक कर देते हैं, एक ग्राम सभा पर, ठीक है। तो हम बलकनपुर पर एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। हाँ, तो बलकनपुर पर हमने क्लिक कर दिया। देखिए अभी क्या कहते हैं, नीचे कैप्चा आएगा, उसको फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे। थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि ये साइट थोड़ा सा बिजी रहता है हमेशा। और जैसे ये ओपन हुआ, देखिए नीचे आ गया कैप्चा, तो 66-10 इक्वल टू 56, हमने यहाँ 56 किया। जैसे सबमिट करेंगे, देखिए हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होके आ जाएगी अभी। तो ये देखिए लिस्ट आ गया है, जहाँ पर सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, ठीक है, ब्लॉक नेम, पंचायत नेम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर सबका, देखिए पूरा नाम लिखा हुआ नीचे, और कौन किस कैटेगरी में उसका भी वो लिखा हुआ, तो नाम, फादर नेम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर सब लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, पंचायत नेम भी है। तो यहाँ पे आप पूरा क्या करिए, पूरा लिस्ट देख सकते हैं, कितने लोग का नाम है, कहाँ है। तो आपके इसमें जो भी नाम हो, आप उस नाम को देख सकते हैं। और अगर आपको उसका पूरा डिटेल्स देखना हो, तो बगल में क्या करिए, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो किसी भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डाटा खुल जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है, जैसा मैंने कहा कि साइट थोड़ा बिजी रहता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा इसको प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी डिटेल्स ओपन होके आ रही है, ठीक है, तो देख सकते हैं अभी बेनिफिशियरी डिटेल्स हमारे सामने ओपन हो गई। तो पूरा पूरा बेनिफिशियरी, किसका कितना पैसा आया, कब आया है, क्या बना है, क्या नहीं बना, इसमें पूरा पूरा डिटेल्स लिखा हुआ, ठीक है। तो आप भी अपना ऐसा लिस्ट निकाल सकते हैं। और हाँ, इस साइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स सो मच।